सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ एन रियलिस्टिक आई। सो गाइज, आपको हमेशा पहले एक आई ड्रॉ करने के लिए उसके एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, इसलिए हम ऐसे पहले इसकी मेजरमेंट लेंगे। शेडिंग पर ध्यान लगाना चाहिए। शेडिंग करते समय हमें पहले हमेशा लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। तो हम फोटो के अकॉर्डिंग 2B की पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। अब हमने लाइट ग्रेड की पेंसिल को भी यूज़ कर लिया है। अब हम रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके ये देखेंगे जहाँ जहाँ डार्क एरियाज हैं वहाँ पर डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमें शेडिंग करने के बाद जब भी आप दूसरी आई की आउटलाइंस बनाएं, हमेशा आप रेफरेंस फोटोग्राफ को देखकर और जो आई आपने बनाई है उसे देखकर ही आउटलाइंस बनाएं, नहीं तो आपकी जो एक्यूरेसी आउटलाइन की है ना वो ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए हमेशा रेफरेंस फोटोग्राफ को और आई को देखकर ही बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी स्केचिंग की नॉलेज मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।